बी उमाशंकर की केंद्र में नियुक्ति हुई है। आईएएस बी उमाशंकर की केंद्र में नियुक्ति को लेकर यह खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, आईएएस बी उमाशंकर की केंद्र में नियुक्ति हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आईएएस बी उमाशंकर की केंद्र में नियुक्ति को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नितिन गडकरी के मंत्रालय में आईएएस बी उमाशंकर की नियुक्ति हुई है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, आईएएस बी उमाशंकर की केंद्र में नियुक्ति को लेकर यह खबर मिल रही है। आईएएस बी उमाशंकर की केंद्र में नियुक्ति हुई है, यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। तो नितिन गडकरी के मंत्रालय में आईएएस बी उमाशंकर की नियुक्ति हुई है। सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव नियुक्त हुए हैं आईएएस बी उमाशंकर। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्त हुए हैं आईएएस बी उमाशंकर। साहिल लुखाया संवाददाता साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस वक्त। साहिल, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, हरियाणा के आईएएस बी उमाशंकर अब केंद्र में चल गए हैं। पहले जो है बी उमाशंकर मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव थे, अब केंद्र में उनका जो है तबादला कर दिया गया है। अब नितिन गडकरी के मंत्रालय में काम करते जो है वो बी उमाशंकर जो है वो नजर आएंगे। तो इसको लेकर एक आदेश जो है वो केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तो पहले जो बी उमाशंकर है वो कई अहम पदों पर सीएमओ में काम कर चुके हैं, वो पहले ही केंद्र में अब जाने की इच्छा जो है वो जता चुके थे। तो अब फाइनली जो है वो केंद्र में चले गए हैं। तो नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं उनके मंत्रालय में काम करते हुए अब बी उमाशंकर नजर आएंगे। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता साहिल आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे इस पूरी खबर को लेकर।